Hello and welcome to Android Development Advanced Course Lecture Number 18 Parsing JSON and XML in Android. अगर बात करें JSON की तो JSON stand for JavaScript Object Notation, basically एक structure, lightweight, human readable and easy to parse file है, जो basically आपको एक best alternative provide करती है XML का, कि जब भी आपके Android app ने data interchange करना हो within a server के कोई external location पे, कोई server पड़े जब आपने उस पर data exchange करना हो या interchange करना हो, तो यूजिंग जेसन आप उस डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं. सो अगर बात करें एक्सएमएल की पार्सिंग की तो उसकी कंपेयर में जेसन पार्सिंग कंपैरेटिवली आसान है. सो जेसन बेसिकली एक शॉर्ट, क्विकर एंड इजियर वे है टू इंटरचेंज डेटा फ्रॉम सर्वर. जेसन इज अ ग्रेट सक्सेस और मोस्ट ऑफ द एपीआई हमें इसकी सपोर्ट भी, जेसन फॉर्मेट की सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. सो एंड्रॉइड हमें प्रोवाइड करता है चार डिफरेंट क्लासेस टू मैनिपुलेट जेसन डेटा को या जेसन फाइल्स को मैनिपुलेट करने के लिए. एंड्रॉइड हमें चार तरह की क्लासेस प्रोवाइड करता है, जो कि बेसिकली सबसे पहले है जेसन ऑब्जेक्ट, यूज फॉर ऑब्जेक्ट. इसी तरह जेसन अरे है कि जब हमने कोई अरे को पार्स करना हो. फिर है हमारे पास जेसन स्ट्रिंगर की, जिसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हो. और इसी तरह जेसन टोकन है, जब हमारे पास टोकन टाइप की कुछ वैल्यूज आ रही हो, कि फॉर एग्जांपल कोई रेगुलर एक्सप्रेशन या कोई टोकन टाइप की वैल्यूज हो, तो उनको पार्स करने के लिए हम जेसन टोकनाइजर को यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा एक सैंपल जेसन फॉर्मेट है. सो बिलो इज द सैंपल कोड ऑफ जेसन. बेसिकली एक सैंपल जेसन कोड है जो हमें एक लिस्ट ऑफ यूजर प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हर ऑब्जेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी आईडी है. कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर की एक रे है, और हर यूजर के रे में फॉर एग्जांपल मल्टीपल यूजर्स का डेटा है, तो हर डेटा यहाँ पे हमारे इन ब्रैकेट से सेपरेट हुआ है. हर डेटा की कुछ आईडी है, उसका कुछ नेम है, उसका ईमेल है, जेंडर है, उसकी कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और तमाम वैल्यूज इस कॉमा से सेपरेटेड हुई है. कि फॉर एग्जांपल ये वैल्यू यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, उसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज यहाँ पर एंड हो जाएंगी, और वो तमाम वैल्यूज इस यूजर की अरे के अंदर इनक्लोज हो जाएंगी. सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये इजी टू रीड है, इजी टू पार्सेबल है, क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज आपके लिए इजी टू कन्फिगर है. कि हर वैल्यूज के साथ उसकी कुछ हमने की वैल्यू बताई हुई है, कि जिन मेथड्स वैल्यूज को यूज करते हुए हम उस डेटा को गेट कर सकते हैं. फिर हमारे पास जेसन के कुछ एलिमेंट एंड्रॉइड में. सो बात करते हैं जेसन के मेनी कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से कुछ हम डिफाइन करेंगे. नंबर वन है अरे. सो अगर जेसन में बात करें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट रिप्रेजेंट जेसन अरे. जेसन अरे बेसिकली एक मे बी वैल्यू ऑफ मिक्स जेसन ऑब्जेक्ट. इसमें जेसन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जिस अदर जेसन अरे भी हो सकते हैं, जिन्हें हम नेस्टेड जेसन अरे भी बोलते हैं. इसी तरह इस अरे में स्ट्रिंग्स हो सकती है, बुलियन टाइप के, इंटीजर, लॉन्ग, डबल या नल टाइप के वेरिएबल्स भी या वैल्यूज भी प्लेस हम कर सकते हैं. सो जो भी वैल्यूज प्ले होंगी वो मे नॉट बी एन रिप्रेजेंट फॉर नॉट अ नंबर. कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो नॉट अ नंबर हो, इनफाइनाइट टाइप की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या कोई भी और अदर टाइप की वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बेसिकली हमने यहाँ पे लिस्टेड नहीं की हुई. नंबर टू हमने देखा था ऑब्जेक्ट, जो कि बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर लेते कर्ली ब्रैकेट से, जो रिप्रेजेंट करता है जेसन ऑब्जेक्ट को. जेसन ऑब्जेक्ट बेसिकली रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर. जैसे हमने बात की थी की वैल्यू पेयर में, कि हर वैल्यू के अगेंस्ट कोई की है, कोई की वैल्यू है, जिस वैल्यू को यूज करते हुए हम डेटा को फर्दर अपनी फ्यूचर यूज में उस डेटा को गेट कर सकते हैं यूजिंग दैट की. सो जेसन ऑब्जेक्ट में भी मिक्स ऑफ जेसन अदर जेसन ऑब्जेक्ट. जेसन ऑब्जेक्ट में हमारे पास मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, जेसन अरेज भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग, बोलियन, इंटीजर, लॉन्ग, डबल, इस तरह की तमाम वैल्यूज आ सकती हैं. और इसमें भी जेसन अरे की तरह कोई भी ऐसी वैल्यू, नॉट अ नंबर वैल्यू या इनफाइनाइट वैल्यू हम प्लेस नहीं कर सकते. थर्ड वाली थी हमने देखी थी की, जो कि बेसिकली एक जेसन का ऑब्जेक्ट है दैट कंटेन्स अ की दैट इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, जो कि बेसिकली आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी. सो अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू क्रिएट अ जेसन ऑब्जेक्ट. एंड फोर्थ वन इज वैल्यू. सो ईच की हैज अ वैल्यू दैट कुड बी प्रिमिटिव डेटा टाइप. कि हर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप की होगी, चाहे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि यूजर ने डिफाइन नहीं किए होंगे, पहले से बिल्ट इन डिफाइंड होंगे, जैसे कि इंटीजर्स है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, या कैरेक्टर टाइप की कीज हो, की वैल्यू हो सकती है. फिर हमारे पास है जेसन पार्सिंग इन एंड्रॉइड. सो बेसिकली जेसन कंटेन टू टाइप्स ऑफ नोड, जेसन अरे एंड जेसन ऑब्जेक्ट. वाइल पार्सिंग हम इन मेथड्स को, अब इन दोनों में से कोई भी मेथड को अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं. पहली बात तो हमने देखी थी कि अगर जेसन स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता है हमने गेट जेसन अरे का मेथड यूज करना है. और अगर वही हमारा जो जेसन स्टार्ट हो रहा है कर्ली ब्रैकेट से, तो उस केस में हम जेसन गेट जेसन ऑब्जेक्ट का बिल्ट इन मेथड यूज करते हुए अपने उस जेसन के डेटा को पार्स करेंगे.
सो अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा भी जेसन डेटा आपको अदर मेथड प्रोवाइड करता है फॉर बेटर पार्सिंग. तो देखते हैं कौन कौन से मेथड जेसन आपको प्रोवाइड करता है. सो पहला है गेट का मेथड, जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नेम एज अ पास हो रहा है. सो बेसिकली ये मेथड यूज होता है टू गेट द वैल्यू फ्रॉम जेसन ऑब्जेक्ट. जब आपने जेसन ऑब्जेक्ट से कोई वैल्यू गेट करनी हो तो उस वक्त आप गेट का मेथड यूज कर सकते हैं, और ये हमें एक ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा. इसमें हम कुछ स्ट्रिंग टाइप की पास करेंगे और उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट टाइप में लाकर अगर एग्जिस्ट करती होगी तो जेसन हमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो एक जेसन की एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. इसी तरह गेट बुलियन है कि जब कोई बुलियन टाइप की वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स टाइप की वैल्यू किसी की के अगेंस्ट होगी तो वो लाकर हमें पास करेगा, और वो की बेसिकली जो यहाँ आर्गुमेंट हम पास करेंगे उसके अगेंस्ट जो भी की वैल्यू होगी वो लाकर हमें पास कर देगा. इसी तरह गेट डबल है कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट में हम डेटा पास करेंगे उसके अगेंस्ट अगर कोई वैल्यू जो कि डबल में होगी, डबल टाइप की होगी अगर, तो कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो लाकर हमें उस वैल्यू को रिटर्न करवा देगा. इसी तरह गेट इंटीजर है कि कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाएगा. गेट जेसन अरे कि जब एक जेसन की अरे रिटर्न करवानी होगी एज एन जो एज अ रिटर्न द आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट हमने उसको एज अ पैरामीटर पास किया तो उस पैरामीटर के अगेंस्ट अगर कोई जेसन अरे अगर कर रही हुई एग्जिस्ट कर रही हुई तो उस आर्गुमेंट के अगेंस्ट हमें वो जेसन अरे लाकर रिटर्न करवा देगा. इसी तरह जेसन ऑब्जेक्ट है कि जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेट लॉन्ग. सो अगर हमारे को आर्गुमेंट के अगेंस्ट कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि लॉन्ग टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप की होगी तो अगर वो एग्जिस्ट कर रही होगी तो उस अगेंस्ट उसके अगेंस्ट हमें लाकर वो डेटा रिटर्न करवा देगा, अदरवाइज वो किसी भी सिनेरियो में जब जहां उसको डेटा नहीं मिलेगा वो जेसन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. कि जिसे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो आर्गुमेंट हमने पास किया, जो पैरामीटर हमने पास किया उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है. इसी तरह हमारे पास गेट स्ट्रिंग का मेथड है, फिर लेंथ का मेथड है कि जब हमने नंबर ऑफ नेम या वैल्यूज मैप करवानी होगी इस मेथड इस अरे में या इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ नेम्स हैं या वैल्यूज हैं तो उस वक्त हम लेंथ का मेथड यूज कर सकते हैं. इसी तरह की का मेथड है तो यूज टू गेट द आइटरेटर ऑफ स्ट्रिंग नेम इन द ऑब्जेक्ट. और लास्ट में हमारे पास ओपीडी के नाम से एक मेथड है जो बेसिकली हमें वैल्यूज रिटर्न करवाएगा, रिटर्न गेट करेगा जेसन ऑब्जेक्ट से और हमें ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यूज रिटर्न करवा देगा अगर वो वैल्यूज एग्जिस्ट कर ही होंगी, अदरवाइज वो नल रिटर्न करवा देगा. सो यहाँ पे एक सैंपल कोड की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेसन टाइप की स्ट्रिंग का वेरिएबल बना है जिसमें मैंने अब ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है ये जेसन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय बेसिकली वो यूजर्स हैं जिसके एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास नेम के अगेंस्ट जॉन स्टैलियन नाम का कुछ पड़ा और उसकी सैलरी के अगेंस्ट उसकी कुछ सैलरी वैल्यू पड़ी है. तो किस तरह से हम जेसन फाइल से जेसन ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे, हम यहाँ जेसन ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें बेसिकली वो जेसन स्ट्रिंग पास करेंगे हम, और अब उस जेसन स्ट्रिंग में से हम डेटा फेच करेंगे. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने उस सबसे पहले उस जेसन ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने उस एम्प्लॉय के रेफरेंस जिसमें जिस नाम से मैंने जेसन ऑब्जेक्ट कॉल किया था उस नेम को यहाँ पे गेट कर लिया, और अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना के मैंने उस नाम के अगेंस्ट के मेरे एम्प्लॉय वाले नाम के अगेंस्ट मैंने उसकी नेम की जो वैल्यू थी और उसकी सैलरी की जो वैल्यू थी वो लाकर इस नेम और सैलरी में गेट करवा दी. एंड लास्ट में उसके बाद मैंने यूजर की स्क्रीन पे जब मेरे पास डेटा बैकएंड पे गेट हो गया तो मैंने यूजर की स्क्रीन पे जो टेक्स्ट व्यू या टेक्स्ट फील्ड बनाई थी उनमें लाकर मैंने नेम के अगेंस्ट वो नेम और सैलरी के अगेंस्ट लाकर वो वैल्यू सैलरी की वैल्यू लाकर प्लेस कर दी. सो एट यूजिंग दिस प्रोसेस आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर है कि किस तरह से एक जेसन ऑब्जेक्ट से हम डेटा को गेट कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.